हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको रिव्यू दूंगी दो फाउंडेशन बेसेस का। एक मारूफ की ओरिजिनल कलर ट्रू वाली फाउंडेशन जिसका ट्यूब ये रखा हुआ है और जो एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, यानी ड्राई स्किन एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी है। इसके यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है। और एक मैं स्टार फेस वालों के लिक्विड फाउंडेशन का रिव्यू दूंगी आपको कि इन दोनों में से बेहतर कौन सी है, या क्या पता दोनों अच्छी निकले। इसका नंबर मेरे पास 011 है, 100 नहीं है, 100 है, यानी 011 है लिक्विड फाउंडेशन है स्टार फेस वालों की, 011। और ये दोनों फाउंडेशन फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हाथ है, ये मेरी प्योर प्लेन स्किन है, ठीक है। मेरा कलर फेयर है और ये फेयर के लिए पहले मैं आपको इसका एक स्वाइप दिखाऊंगी। एक पूरी मैं आपको आधे हाथ पे करके दिखाऊंगी, फिर मैं आपको दूसरी। इसका ये कलर टेक्सचर ये आता है, इसको जब तक आप पाउडर से लॉक नहीं करते ये थोड़ी शिफ्टेबल होती है, वरना इसे पाउडर से लॉक करते तो अपनी जगह जम जाती है। आपने इसका स्वाइप चेक कर लिया। अब इस तरह ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी, इससे मैं यूं करके टैप कर दूंगी। अगर आपको ये फिक्स करनी हो ना गर्मियों में, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर को ऑलवेज मेकअप फिक्सर स्प्रे से गीला करें, और विंटर में आप पानी से भी कर सकते हैं। ये देखें ये डिफरेंस देखें। आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। ये मैंने लगाई है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये वाली जो फाउंडेशन है ना, ये मेरे पास अपनी खुली हुई है 02 नंबर, तो मैं अपनी वाली का आपको रिव्यू दूंगी। लेकिन मैं नई वाली फाउंडेशन नहीं खोल रही, खुली हुई जो मेरी अपनी यूज़ की है। इसमें इस तरह ही लगा होता है पम्प, जब हम ये हटा देते हैं ना इसका, इस तरह से आगे यहाँ ब्लेंडर है, यूं प्रेस करते हैं तो ये आती है। पर मेरे पास अभी ब्लेंडर है हाथ में, तो मैं वो यूज करके दिखाऊंगी। इसका मैं आपको कलर दिखा दूं, इसका थोड़ा स्किन पिंक टाइप का कलर है, पर इसकी कवरेज थिक है, यानी आप ब्राइडल बेस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला फाउंडेशन आप डेली वेजेस में यूज़ कर सकते हैं, ये वाला थोड़ा थिक फॉर्म में है जो आप ब्राइडल बेस बनाने के लिए। इसको भी मैं आपको बेबू की स्पंज से टैप करके दिखा रही हूँ। ये मेकअप फिक्सर स्प्रे से मैंने टैप नहीं करा है, सादे पानी से टैप करा है। पर अगर आप पार्टी वार्टी में जा रहे हो कहीं, तो आप मेकअप फिक्सिंग स्प्रे पर छिड़क कर फिर इसे टैप कर सकते हैं। दोनों लेना ज़रा, थोड़ा दूर करो कैमरा। ये हो गई हमारी मारूफ वालों की कवरेज, और ये हो गई हमारी स्टार फेस वालों की कवरेज। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी ज़्यादा बेहतर लगे। ये पानी से भी नहीं उतरती, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चेक करके दिखाऊंगी। अब जैसे मैंने बिबू की ब्लेंडर से इसे टैप टैप करके, ये देखिए कितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती जाती है। अभी पानी नहीं लाओ, देखिए ये जितना फैलाऊंगी ये इस तरह टैप हो जाएगी, सही है। अब मैं इसे पानी का टेस्ट करके दिखा दूंगी, पानी से भी ये नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर। ओके, पानी लग गया। ओके, पानी के ड्रॉप सादे निकल रहे हैं। आई होप यू कैन क्लियर सी। पानी के बाद भी ये देखिए, मैं आपको ये टैप करके दिखा दूँ, शादी हुई, लेकिन इस पर कोई कलर नहीं आ रहा है फाउंडेशन का, यानी ये पानी टैप करने के बाद नहीं निकल रही, फाउंडेशन बाहर नहीं आ रही, यानी फाउंडेशन अच्छी है। ऊपर से लो, सही से दूर से लो, देखिए ये फाउंडेशन बिल्कुल भी एक जर्रा इसमें नहीं आ रही। पानी डालने के बाद फाउंडेशन अपनी जगह पर ऐसे लगी हुई है, लेकिन अगर हम इसे मिटाना हो
तो हम इसे कैसे क्लियर करेंगे? कोई भी अच्छी फाउंडेशन को अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन एक्नी ना हो, स्किन फ्रेश एंड नीट रहे, तो आप कोई भी मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, वो मेकअप रिमूवर यूज करेंगे। यहाँ पे मेरे पास रॉक का भी खुला हुआ है, तो मैं रॉक का यूज कर रही हूँ। वरना मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के मेकअप फिक्सर O2 हो गए, मैं यूज करती हूँ ब्राइड्स के लिए। यहाँ पे भी फिलहाल मेरे हाथ में ये है, तो मैं आपको ये कर यूज करके दिखा रही हूँ। ये देखें, पानी से ये बेस नहीं हटी, पर ये देखें, ये मैंने क्या करना है, ये वही वाली रूई जो साफ उतरी थी पानी के बाद, मैंने ये मेकअप फिक्सिंग मेकअप रिमूवर स्प्रे में डिप करी। ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा गिर गया, ये देखें, देख रहे हैं, ये असली स्किन निकला, ये सारा मेकअप इसमें आ गया। तो ये साफ हो गई हमारी मारूफ की, जो बिल्कुल टिक गई थी स्किन पे, ये साफ सुथरा मेरा हाथ निकला है मारूफ की फाउंडेशन से। अब इस तरफ ये मैंने फिर मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, और ये हमारी स्टार फेस की रिमूव हो गई, और जहाँ से चले थे हम वहाँ आ गए दोबारा। और हमेशा साफ करने के बाद सोने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें किसी भी अच्छे लोशन से। यहाँ पे मैं मारूफ का लोशन इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई भी अच्छा सा लोशन, देखो सबके पम्प वो हुए यूज कर रही हूँ। अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें, उससे ही आपकी स्किन पे शाइन आती है और हेल्दी रहती है आपकी स्किन।